बदायूं के कुमरगांव थाना क्षेत्र के बिहारी गौटिया गांव में खेत में फसल की रखवाली कर रहे युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इस पूरे मामले की जानकारी एसएसपी को दी गई। एसएसपी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। फिलहाल हत्यारे कौन है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। किसने हत्या की है, किस कारण हत्या की है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। नंदगढ़ थाना क्षेत्र के आतासुआ गांव निवासी अमलधारी यादव की जो 31 जनवरी को सहेड़ी के पास गोली मार करके हत्या की गई थी, उसमें जो है कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भुड़कुड़ा के झोटना निवासी पंकज सिंह को और सिहोरी के अमरजीत पासी और विशाल पासी की पत्नी बिमला देवी को ये धामूपुर के हाईवे कट से गिरफ्तार कर उनके पास से 2 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये जो योजना जो है कि ये जेल में बनाया गया था, ये चुनावी रंजिश को लेकर के ये हत्या की गई। ये जो तीनों जो है कि जेल में एक ही बैरक में निरुद्ध थे, विशाल पासी, पंकज सिंह और अमरजीत पासी। विशाल पासी ने अमरजीत पासी और पंकज सिंह को मदद की थी छुड़ाने में और उन्हें छुड़ाया था। इसी एहसान के चलते जो है विशाल पासी के कहने पर अमलधारी यादव की 31 जनवरी को गोली मार करके हत्या कर दी, हत्या की गई थी। ये जो योजना जो है कि जेल में ही बनाई गई थी और ये 31 जनवरी को गाजीपुर से अपने गांव आता सुबह आते समय अमलधारी यादव की गोली मार करके हत्या की गई। ये अमलधारी यादव जो है सपा के नेता भी थे और तमाम सपा नेता उनके घर पर जो है कि पहुंचे हुए थे और हाईवे पर जो है कि चक्का जाम भी किया हुआ था अपराधियों की गिरफ्तारी के लेकर के, जो है कि आज जो है कि 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। पहले पर ले सप्ताह के दौरान इस बार 9 सीटें मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उससे जो है वाणिज्य विभाग को लगातार दूसरी बार सीट मिली और मंडप को स्वच्छता की सील भी दी गई है। जीएम शोभन चौधरी ने डीआरएम एसएम शर्मा को इन 9 सीटें सौंपते हुए कहा कि ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है मंडल का और यह उम्मीद की जा रही है कि यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहे। मंडल में ऑपरेटिंग विभाग को भी सील मिली, आरपीएफ को भी सील मिली है और इसके साथ ही जो है ट्रैक्शन को और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को ये सीलें भी मिली हैं। तो इन विभागों से जो 9 सीलें मिली ये गरिमामय माना जा रहा है और इधर जो है जीएम ने भी माना कि अयोध्या में जो काम हुए हैं उसका भी प्रतिफल डिवीजन को मिला है और अयोध्या के उत्कृष्ट कार्यों के चलते डिवीजन का सम्मान भी बढ़ा है। तो ये इस दौरान जो स्वच्छता अभियान चलेगा और बेहतर होगा और ये माना जा रहा है कि अगली बार रेल सप्ताह में प्रदर्शन का और बेहतर फायदा मिलेगा और जो है इसीलिए डिवीजन अभी से जो है पूरी मेहनत से काम कर रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जहां सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कल बसंत पंचमी का स्नान पर्व भी है और ठंड बढ़ गई है और श्रद्धालु इसी ठंड में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मगर जिस तरह से सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है उससे किसानों की भी मुश्किलें बढ़ गई। जहां एक तरफ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं तो मगर बारिश ने जो फसल खराब हो रही है उससे किसानों की कहीं ना कहीं समस्या तो बढ़ी है। वहीं करछना क्षेत्र के खाई गाँव में जहाँ छपरैले का मकान बारिश से गिर गया है और जिससे एक बच्चे की मौत हो गई शिबू नाम के और लोग घर में कोहराम मचा है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं हुई है और बारिश के से साथ साथ ओले भी गिरे हैं जिससे प्रयागराज में ठंड बढ़ गई है और लोगों की समस्या भी बढ़ गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।